जरा सोचो, एक ईमानदार फौजी को कुछ करप्ट नेता अपने फायदे के लिए गद्दार घोषित कर दें। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में बॉब और उसका साथी डॉनी रेगिस्तान में एक मिशन पर थे। दुश्मन के ट्रक को खत्म करने के बाद वो वहां से निकलने को एकदम तैयार थे, पर तभी दुश्मनों के एक जमावड़े ने अचानक उन पर हमला कर दिया। बॉब ने अपनी जबरदस्त शूटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कई दुश्मनों को ढेर कर दिया, लेकिन उनके आसपास कई बॉम्ब्स फटने लगे, जिसके बाद उन्होंने CIA से मदद भी मांगी, लेकिन वहां से कोई जवाब आया ही नहीं, जिस वजह से डॉनी की इस जानलेवा हमले में मौत हो गई। अपने दोस्त को खोने के गुस्से में बॉब ने हेलीकॉप्टर पर कई गोलियां चलाई और कुछ निशाने चूकने के बाद आखिरकार उसने हेलीकॉप्टर को गिरा ही दिया। इस घटना को 3 साल गुजर चुके हैं। अब बॉब अपने कुत्ते के साथ पहाड़ों पर एक आम जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन फिर एक दिन कर्नल आइज़ैक उससे मिलने पहुंचे। उनके पास बॉब के लिए एक मिशन था जिसमें उसे प्रेसिडेंट को मारने का प्लान बनाना है, पर असलियत में मारना नहीं है। कर्नल ने उसे बताया कि उनके पास एक खुफिया खबर आई है कि जल्द ही प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की जाने वाली है, इसलिए वो किसी एक्सपर्ट की मदद से एक प्लान बनाकर उसे रोकना चाहते हैं। बॉब ने शुरुआत में तो मना कर दिया, लेकिन फिर कर्नल उसे सारी इन्फॉर्मेशन देकर गए ताकि उसका दिमाग बदल सके। बहुत देर तक सोचने के बाद बॉब ने इस मिशन में मदद करने का फैसला किया। बॉब उन सभी जगहों पर गया जहां प्रेसिडेंट स्पीच देने वाले थे और काफी जांच करने के बाद उसने जॉनसन को बताया कि प्रेसिडेंट पर हमला फिलाडेल्फिया में ही होगा। जॉनसन ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे उस दिन आने को भी कहा ताकि वो उनकी मदद कर सके। उधर बॉब माइकल सैंडोर नाम के एक पुराने सिपाही से भी मिला जो इस प्लान में उनकी मदद करने वाला था। प्रेसिडेंट की स्पीच वाले दिन बॉब जॉनसन और उसकी टीम के साथ एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां से सब जगह नजर रखी जा सकती थी। जैसे ही प्रेसिडेंट स्टेज पर चढ़ा तो बॉब ने पूरी टीम को कहा कि यही हमलावर के लिए बिल्कुल सही समय होगा, इसलिए उन्हें प्रेसिडेंट को स्टेज से उतारना चाहिए। तभी एक पुलिस वाले ने बॉब पर गोली चला दी और साथ ही एक अनजान आदमी ने प्रेसिडेंट को शूट कर दिया। चीजें समझते ही बॉब खिड़की तोड़कर वहां से भाग गया और उसके निकलते ही जॉनसन और उसकी टीम ने पूरे कमरे को एकदम साफ कर दिया और सिर्फ बॉब की स्नाइपर और उसके फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए। उधर रास्ते में एक FBI एजेंट निक ने उसे रोकने की कोशिश की, पर बॉब ने बड़ी आसानी से उसे हरा कर एक ग्रिल के साथ बांध दिया और उसी की गाड़ी में वहां से भाग गया। लेकिन जाने से पहले उसने निक से कहा कि प्रेसिडेंट पर गोली उसने नहीं चलाई, बल्कि उसे तो बिना बात के फंसाया जा रहा है। बॉब के भागते ही पूरे शहर की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, यहाँ तक कि उसके पीछे तो हेलीकॉप्टर भी पड़े थे जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए बॉब ने अपनी गाड़ी एक कार वॉश में घुसा दी, जहाँ उसने पिछली सीट को पकड़कर फर्स्ट एड किट निकाली और अपने घाव पर पट्टी की। इसके बाद वो वापस सड़क पर उतर गया, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उसे चारों ओर से घेर लिया और कोई रास्ता ना दिखने पर बॉब ने गाड़ी को बैक गियर में डाला और सीधा एक नहर में कुदा दिया। काफी चेकिंग करने के बाद भी FBI को बस खाली गाड़ी मिली, क्योंकि बॉब पहले ही वहां से निकल चुका था। नहर से निकलकर बॉब ने एक ट्रक चुराया जिसमें छुपकर वो वहां से भाग गया। उधर सभी न्यूज चैनल्स पर बॉब की तस्वीर दिखाई जा रही थी और साथ ही निक की भी जबरदस्त बेइज्जती हो रही थी, जिसके बाद उसके बॉस ने उसे खूब सुनाया और निक ने बॉब की उसे फंसाए जाने वाली बात अपने बॉस को बताई। उसके बॉस को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसने निक से कहा कि अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखने की कोई जरूरत नहीं है। रात होने पर बॉब एक बहुत बड़ी दुकान में पहुंचा और पहचाने जाने के डर से उसने सबसे पहले दुकान की लाइट काटी और उसके बाद ही अपनी जरूरतों का सारा सामान लिया, जिसके बाद वो एक मैकेनिक की दुकान में चोरी से घुसा जहां उसने अपनी मरहम पट्टी की। उधर निक की बढ़िया बेइज्जती होने के बाद उसे फोन ड्यूटी पर लगा दिया गया था, जहां उसे उसी दुकान में काम करने वाली एक औरत का फोन आया, क्योंकि उसे शक था कि बॉब शायद थोड़ी देर पहले उसकी दुकान में आया था। निक ने उसकी बात पर भरोसा करते हुए ये बात अपने बॉस को बताई, पर उसने निक की कोई भी बात सुनने से साफ मना कर दिया। निक ने फिर भी हार नहीं मानी और वो रात भर इसी पर काम करता रहा। अगली सुबह जब गैलिंडो ने उसे काम करते देखा तो उसने बताया कि जिस पुलिस वाले ने बॉब पर गोली चलाई थी उसका मर्डर हो गया है। इस बात ने निक का शक और पक्का कर दिया। उधर बॉब एक मैकेनिक के भेष में डॉनी की विधवा पत्नी सारा से मिलने पहुंचा। वो इससे पहले कभी नहीं मिले थे, पर डॉनी के मरने पर बॉब ने सारा को एक खत लिखा था और साथ ही वो हर साल उसे फूल भेजता था, इसलिए सारा को भी बॉब याद था। उसने बॉब के बारे में न्यूज में देखा था, इसलिए वो उसे अंदर आने के लिए कहने
में थोड़ा झिझक रही थी, पर बॉब ने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया और अंदर जाने पर सारा से उसे पता चला कि प्रेसिडेंट तो बिल्कुल ठीक है और ये हमला उस मीटिंग में मौजूद किसी दूसरे देश के लीडर पर हुआ था। उधर निक ने घटनास्थल के आसपास की सभी बिल्डिंग्स की जांच की जहां उसे स्नाइपर ट्राइपॉड स्टैंड के निशान मिले। बॉब के उठने पर सारा ने उसे बताया कि सरकार ने उसके कुत्ते को भी गोली मार दी। इस पर बॉब ने कहा कि वो अपने नाम पर लगे दाग को हटा कर रहेगा और उसके हिसाब से निक ही इस काम में उसकी मदद कर सकता है, इसलिए उसने निक से मिलने का एक प्लान बनाया। सारा भी उसकी मदद करने के लिए तैयार थी और उसने डॉनी की राइफल भी बॉब को दे दी। प्लान के मुताबिक सारा किसी तरह कैफे में निक से मिली, जहां उसने निक को बॉब की गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दी ताकि वो इस बारे में सर्च करे और जॉनसन, जो कि ये कांड करके शांति से बैठा है, उसके मन में भी थोड़ी बेचैनी बढ़े। निक ने बिल्कुल यही किया जो बॉब चाहता था। बॉब का प्लान अब पूरी तरह सही जा रहा था क्योंकि निक की हरकतों की खबर जॉनसन को भी मिल चुकी थी और उसने अपने आदमियों को निक पर नजर रखने को कहा, जिसके बाद उन्होंने एक दिन मौका देखकर निक को किडनैप कर लिया। वो लोग हर मुमकिन तरीके से ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर निक को कितनी सच्चाई पता है। जब निक ने अपना मुंह नहीं खोला तो वो लोग उसे मारने ही वाले थे कि बॉब ने उसे आखिरी मिनट पर बचा लिया। निक ने कानूनी तरीके से बॉब की मदद करने की बात कही, पर बॉब को तो सिर्फ बदला चाहिए था क्योंकि उसका नाम तो साफ हो जाएगा, लेकिन वो लोग कल को किसी और के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। अब बॉब ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए निक भी मदद करने को तैयार हो गया। जॉनसन और उसके आदमियों को पता लग गया कि बॉब हर साल सारा को फूल भेजता था, इसलिए उन्होंने अपने कुछ आदमियों को सारा को किडनैप करने के लिए भेजा। उधर निक और बॉब हथियारों के एक्सपर्ट मिस्टर रेट से मिलने पहुंचे, जिसने उन्हें बताया कि जॉनसन और उसके आदमियों ने पेपर पैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें गोली चलती किसी और गन से है और दिखाई कहीं और जाती है। मिस्टर रेट ने उन्हें ये भी बताया कि बॉब के सिवाय ऐसा मिशन सिर्फ मिखायो ही कर सकता था और मिस्टर रेट के बताए गए हुलिये के हिसाब से बॉब समझ गया कि मिखायो और कोई नहीं बल्कि सैंडोर ही था। निक ने अपने बॉस को फोन करके उससे सैंडोर का पता निकलवाया, लेकिन असल में ये जॉनसन का बिछाया एक जाल था। देर रात जॉनसन के आदमी सारा को पकड़ने के लिए उसके घर में घुसे, जहां सारा ने एक आदमी को तो ढेर कर दिया लेकिन दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया। उधर बॉब और निक सैंडोर के ठिकाने पर पहुंचे और फिर हार्डवेयर स्टोर से वो सामान लिया जो भी उन्हें एक बॉम्ब बनाने के लिए चाहिए था। बॉब को पता था कि उनके लिए कोई ना कोई जाल जरूर बिछाया गया होगा, इसलिए उसने निक को भी थोड़ा बहुत स्नाइपर चलाना सिखा दिया और टाइम आने पर निक ने घास में छुपकर बॉब को सभी गार्ड्स की लोकेशन के बारे में पहले ही बता दिया। बॉब ने एक एक करके सभी गार्ड्स को खत्म कर दिया और अंदर जाने से पहले उसने आसपास सभी जगह बॉम्ब्स बिछा दिए। बॉब को वहां देखकर सैंडोर बिल्कुल भी हैरान नहीं था और उसने सब सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि जॉनसन ने उसके साथ भी ठीक वैसा ही धोखा किया जैसा बॉब के साथ हुआ था और प्लान तो हमेशा से उस दूसरे देश के लीडर को मारने का ही था, क्योंकि वो लोगों को उस गांव के बारे में बताने वाला था जो जॉनसन और उसकी सेना ने तबाह कर दिया था। ये घटना भी 3 साल पहले हुई थी और तभी बॉब को एहसास हुआ कि CIA ने उसको और डॉनी को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था। सैंडोर ने यह भी बताया कि कैसे जॉनसन ने कई और सैनिकों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। तभी निक ने उसे बताया कि बहुत सारे सैनिक घर को चारों ओर से घेर रहे हैं। सैंडोर ने बॉब को बताया कि सारा अब जॉनसन के कब्जे में है, तो आगे वो जो भी करेगा सोच समझ कर करे। उधर से निक ने बाहर लगे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया और बॉब ने एक एक करके बहुत से सैनिकों को मार गिराया। धुएं के बीच से वो एक के बाद एक सैनिकों को मारते हुए भाग रहा था। उधर निक ने भी स्नाइपर राइफल से कुछ सैनिकों को मार गिराया ताकि बॉब सही सलामत वहां से भाग सके। तभी अचानक वहां एक हेलीकॉप्टर भी आ गया, लेकिन इस बार बॉब पूरी तरह तैयार था। वो दोनों तेज रफ्तार से भागने लगे ताकि हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर सके, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर बॉम्ब वाली जगह पर पहुंचा तो बॉब ने बटन दबाकर बॉम्ब फोड़ दिया, जिससे हेलीकॉप्टर वहीं क्रैश हो गया। इसके बाद निक ने अपने बॉस को फोन करके बताया कि वो बॉब के साथ है। ये सब बॉब का ही प्लान था ताकि ये सारी बात जॉनसन तक पहुंच जाए। थोड़ी ही देर बाद उन्हें जॉनसन का फोन आया। बॉब ने जॉनसन के सामने एक ऑफर रखा कि वो सारा के बदले उन्हें सैंडोर की रिकॉर्डिंग दे देगा, जिसमें वो बता रहा है कि कैसे जॉनसन ने एक ऑयल कंपनी के लिए एक पूरे गांव को तबाह कर दिया था, पर इस बात को छुपाए रखने के लिए वो ये डील मैकम से करेगा। जॉनसन भी अपनी सच्चाई को छुपाए रखने के लिए इस डील के लिए तैयार हो गया और उन्होंने एक बर्फीले पहाड़ पर मिलने का फैसला किया।
जॉनसन, मैकियम और उनका एक आदमी सारा को लेकर वहां पहुंचे। तभी सामने से एक आदमी उनकी तरफ आया, पर जॉनसन के छिपे हुए स्नाइपर ने उसे गोली मार दी। ये लोग अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट समझ रहे थे, लेकिन दरअसल ये बॉब की एक चाल थी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि निक था, जिसने जैकेट के अंदर एक लोहे की बहुत मोटी शीट पहन रखी थी। इससे बॉब को जॉनसन के छुपे हुए स्नाइपर की जगह का पता चल गया और उसने पलक झपकते ही उसे मार डाला। साथ ही उसने गोली उस आदमी को भी मारी जिसने सारा को पकड़ रखा था। उधर निक ने पहले ही इस एनकाउंटर के बारे में FBI को एक खत लिख दिया था। स्नाइपर को मारने के बाद बॉब सबके सामने आया, पर निक ने पहले ही सबसे उनके हथियार छीन लिए थे। सारा ने एक गन उठाकर उस आदमी को मार दिया, क्योंकि उसने सारा को किडनैप करके उसे बहुत परेशान किया था। बॉब ने पहले उसे संभाला और फिर मैकियम से बात करने लगा। मैकियम ने उसे बताया कि वो लोग बस उसे मारने यहाँ आए थे, बाकी ये रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं है। सरकार के इतने अंदर तक करप्शन मौजूद है कि वो सोच भी नहीं सकता। अब तक बॉब भी समझ चुका था कि ये सच ही बोल रहा है, तो उसने उस रिकॉर्डिंग को उनके सामने ही जला दिया। पर तभी FBI ने आकर उन्हें पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद Washington DC में बॉब को अटॉर्नी जनरल और FBI के बड़े ऑफिसर्स के सामने पेश किया गया। निक, जॉनसन और सारा भी वहीं मौजूद थे। बॉब ने अपनी बरामद हुई राइफल मंगवाई ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। असल में बॉब ने घर से निकलने से पहले उसकी फायरिंग पिंस हटा दी थी, इसलिए ये मुमकिन ही नहीं था कि उस राइफल से इतनी दूर खड़े आदमी को मारा जा सके, और उसने वहीं पास में मौजूद निक पर फायर करके ये साबित भी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने इस सबूत को मानकर उसे आजाद कर दिया, लेकिन वो जॉनसन और मैकियम पर लगाए उसके आरोप को नहीं मान सकते, क्योंकि उनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कुछ दिनों बाद जॉनसन और मैकियम एक पहाड़ वाले घर पर छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बॉब घात लगाए उन्हें मारने को तैयार बैठा है। उसने एक एक करके वहाँ मौजूद सभी करप्ट लोगों को मार दिया, और वहाँ से निकलते हुए उसने गैस पाइप में गोली मारकर धमाका कर दिया, जिससे उसके खिलाफ एक भी सबूत ना बचे। वहाँ से निकलकर वो सारा से मिला, जिसके बाद वो दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़े। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।